अगेन हाँ जी हाँ, हो आगे, रहा सर, आगे भी हो रहा। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब ये संकल्पों के कुछ उदाहरण, तो ये उदाहरण बोलूंगा मैं क्योंकि आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगा और मेरे को करना चाहिए, तो आपको नोट करना है पहली बात। दूसरा, उसमें आप वॉल्यूम जो है उसका कम ज्यादा, यानी संख्या है वो कम ज्यादा करने की भी आपको छूट है। दोनों आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। और लेकिन कुछ न कुछ संकल्प आज जरूर नोट करने हैं आपको। अगर आपसे गलत भी नोट हो जाए तो उसको बाद में सोच के सुधार कर लेना, लेकिन शुरुआत जरूर करनी है। 5 से 10 संकल्प तो शुरू करनी है। और जो पुराने साथी हैं, जो पहले से कार्य कर रहे हैं, उनको कोई ऐसा नई चीज नजर आए या उसमें कुछ बदलाव जैसा लगे तो वो भी कर सकते हैं। पर हमको सबको रहना इसलिए कि हमें पूरी टीमों में इस चीज को लागू करना है। जो साथी YouTube पर हैं उनको अगर चाहिए कि हम Zoom पर रहते तो हमें अच्छा लगता, तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जल्दी ज्वाइन करेंगे तो आप Zoom पर आ सकते हैं। तो सबसे पहला संकल्प है, मैं हर माह अपनी सेल बढ़ाऊंगा। मतलब ये संकल्प का मतलब है कि आपकी जो किसी महीने में, उससे हर महीने आप थोड़ी बढ़ाते रहेंगे उसको, उसको फिक्स नहीं रहेंगे, कम नहीं होने देंगे, लेकिन कुछ न कुछ भले 100 ही बढ़ाओ, आप 100 PV बढ़े, 200 बढ़े, 500 बढ़े, लेकिन बढ़ाता रहूंगा। ये चीज इतनी उपयोगी और इतनी जरूरी है कि यही हमें एक्चुअल में काम करने का सही रास्ता देती है। नहीं तो क्या होता है कि हम एक तरह से लगभग लगभग उस विषय पे काम करना ही छोड़ देते हैं कि जो फिक्स हो गई, जो हो गया सेट हो गया। तो जिसको इच्छा हो ये संकल्प नोट कर सकता है। दूसरा संकल्प है, मैं ये जो क्लबों के नाम है, कोई भी क्लब करूंगा, परंतु अपनी सेल का टारगेट होने के बाद भी निरंतर सेल करता रहूंगा। ये एक बहुत बड़ी रहस्यमय और बहुत जरूरी बात है। ये जनरली क्या होता है कि हमने देखा है कि लोग जैसे कोई क्लब की सोचते हैं कि मैं डायमंड क्लब करूंगा, सुपर डायमंड क्लब करूंगा, तो वो क्या मिस्टेक हो जाती है उनसे कि वो जैसे डायमंड क्लब पूरा हुआ और वो अपने काम को ब्रेक कर देते हैं, खत्म कर देते हैं उसको, वो एक्टिविटी को ही गायब कर देते हैं लाइफ से। उससे हम कुछ सीख ही नहीं पाते, हम बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो हमेशा प्लस का निशान हमेशा आगे लगा के रखना है कि मैं जो भी करूंगा परंतु मैं रुकूंगा नहीं, मैं उसको बिल्कुल रोकूंगा नहीं, मैं उसको आगे बढ़ाता रहूंगा, ब्रेक नहीं लगाऊंगा कभी भी। तो ये संकल्प अपन ले सकते हैं चाहे तो। तीसरा, नए लोगों की हमेशा शुरुआत प्रोडक्ट यूजर बनाकर करूंगा। जो भी नए साथी मिलते हैं उनको हम प्रोडक्ट देंगे और बाद में उनको ज्वाइन कराएंगे, पहले यूजर बना लेंगे। ये एक संकल्प हम चाहें तो ले सकते हैं। चौथा, 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं और इसको आप कितने परसेंट ले सकते हैं। आपको लगता है कि मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ ठीक से, तो आपको फिर परसेंटेज कम करके लिखना है कि मैं 90% करूंगा, क्योंकि संकल्प में कोई भी फिर विकल्प नहीं आना चाहिए। पर ये संकल्प सभी को ले ही लेना चाहिए मेरे ख्याल से, इसमें कुछ सोचने जैसा विषय नहीं है। तीसरे नंबर का भी सबको लेना चाहिए, चौथे नंबर का भी सबको लेना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड नंबर अपनी इच्छा के अनुसार आप सोच सकते हैं। पांचवा, प्रतिदिन ANCC कोर्स 30 मिनट देखूंगा। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार समझें कि रोज 30 मिनट आपके लिए संभव है कि नहीं है। आप मिनट कम कर सकते हैं, आप डेज कम कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, आप कुछ दिन के लिए ले सकते हैं कि मैं 15 दिन तक देखूंगा। यानी ये संकल्प, ये एग्जाम्पल है, ये बार बार मैं याद दिलाता रहूंगा आपको, ये एग्जाम्पल है। ऐसा का ऐसा ही संकल्प होता है, इससे दुरुपयोग क्या तो संकल्प नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं। छठा, रोजाना कम से कम इतने साथियों को ANCC के लिए याद दिलाऊंगा।
यानी एएनसीसी कोर्स देखने से क्या होता है, एक सेलिंग की बहुत अच्छी स्किल आती है। तो हमें अपने साथियों को रोज को, मान लो अपन ने सोचा कि 5 को मैं डेली याद दिलाऊंगा, 10 को याद दिलाऊंगा, तो अपनी टीम में एक अच्छा डेवलपमेंट आएगा। तो आप ये संकल्प कर सकते हैं चाहे तो, कि किसी ट्रेनिंग कोर्स, जिन साथियों ने, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, ट्रेनिंग कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, वो एक संकल्प ले लें कि मैं इस माह में ज्वाइन करूंगा, तो उनका काम पक्का हो जाएगा। जनरली कई सारी चीजें क्या होता है कि हम सोचते तो हैं, हम करना भी चाहते हैं, करने के लिए तैयार भी होते हैं, लेकिन वो डेट आगे से आगे पोस्टपोन्ड होती रहती है। तो संकल्प में लिखने से हमारा काम पक्का हो जाता है, एक तरह से टेंशन मुक्त, झंझट खत्म। 8वां है, टीम से प्रतिमा कम से कम इतने साथियों को पीक्यूसी ट्रेनिंग कोर्स जमा ज्वाइन करवाऊंगा। यानी ये आप अपना डिजाइन कर सकते हैं कि मैं हर महीने कम से कम 2 को, हर महीने कम से कम 5 को, हर महीने कम से कम 10 को, जैसी जिसकी टीम, जैसा जिसको संभावना लगती है। ये बातें आपको सारी ऐसी लगेगी, यार ये तो बहुत, हम तो सोच रहे थे कोई बहुत बड़ी बात बताई जाएगी, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, पर ये छोटी छोटी चीजें सिस्टमेटिक वे में होने लग जाएगी ना, तो आपका सफलता कई गुना बढ़ जाएगी। 9वां है, प्रतिदिन या फिर सप्ताह में या फिर महीने में कम से कम इतने पीवी की सोल की सेल करूंगा। कई साथी जब किसोल की ट्रेनिंग होती है या सीखते हैं, तो हमें टारगेट लेते हैं कि कम से कम इतनी सेल तो मेरी किसोल की होगी ही होगी। तो वो आपका फिगर आप संकल्प में लेना चाहें तो आप ऐसे ले सकते हैं। ये सभी के, फिर ऐसे ही न्यूट्री चार्ज का है, ऐसे फिर हरित संजीवनी का है, ऐसे फिर गुड डॉट का है, ऐसे हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल का है, इस तरह से और भी प्रोडक्ट क्या आप बहुत सारे, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो सकता है आप, न्यूट्री चार्ज व्यू हो सकता है आपका, न्यूट्री चार्ज वुमेन हो सकता है, न्यूट्री चार्ज किड्स हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, पर्टिकुलर सीरीज का आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसको संकल्प में कन्वर्ट कर सकते हैं। कम से कम का मतलब आप जो आपको लगता है कंफर्टेबल कि मैं, हाँ इतना तो मैं आराम से करूंगा, आपको लगता है कि लिखने की क्या जरूरत है, तो मैं कर ही लेता हूँ, ये गलती मत करना। मत लिखना जरूर है, क्योंकि आज तो आपको ध्यान है, आज तो आपकी प्रैक्टिस में है, पर हो सकता कल बहुत सारी चीजें आ जाए और आपको ये छूट जाए। तो वैसे भी हमें कॉमन पॉलिसी, कॉमन तरीके पे काम करना है। फिर है 14वें नंबर पर आ जाते हैं हम, प्रतिदिन या सप्ताह में या महीने में कम से कम इतनी बार पार्लर को किसोल प्रोडक्ट दिखाऊंगा। तो आप अपने हिसाब से कितने पार्लर से कब कब किसोल के प्रोडक्ट दिखाने हैं, ऐसा एक संकल्प आप ले सकते हैं। फिर है 15वां नंबर, प्रतिदिन सप्ताह महीने में कम से कम इतनी किशोरियों को न्यूट्री चार्ज वुमेन, क्योंकि एक बार ये मैंने कहा से ऐसे ही उदाहरण के लिए लिख लिया, एक दिन जब वो न्यूट्री चार्ज वुमेन की ट्रेनिंग दे रहे थे तो बहुत ही जबरदस्त पॉइंट बताया था, और बहुत सारे साथियों ने, जिन्होंने भी सुना वो बहुत मोटिवेट हुए थे, बहुत सारे साथियों ने संकल्प भी लिया था। मुझे अभी तक याद है, उसने, आमिर सोहेल ने 50 का टारगेट लिया था कि मैं 50। तो ये चीजें हमारे जीवन में आती रहती है, लेकिन हम उनको क्या संकल्पों में लेते नहीं है, तो फिर आती भी रहती है, छूट भी जाती है। तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, और सारी किशोरियों को न्यूट्री चार्ज की उनकी शुरुआत करना बहुत जरूरी होता है हेल्थ के दृष्टिकोण से। तो थोड़ा सा हेल्थ की नॉलेज, थोड़ी उनकी जरूरत के बारे में नॉलेज, वो हम सीख के और इस संकल्प को हम ले सकते हैं। प्रतिदिन सप्ताह महीने में कम से कम इतनी बार न्यूट्री चार्ज व्यू है, न्यूट्री चार्ज DHA 200 के बारे में लोगों को बताऊंगा। ये भी थोड़े उदाहरण मैंने कुछ प्रोडक्ट के दिए हैं, कुछ प्रोडक्ट का दिखाया है। ऐसे आप कोई भी प्रोडक्ट जिसमें आपको लगता है आपकी मास्टरी है, आपका वो प्रोडक्ट हो सकता है, पेनगो भी हो सकता है, वो आपका त्रिकरा तुलसी ड्रॉप भी हो सकता है, वो नॉर्मल टूथपेस्ट भी हो सकता है, कि आपकी किसमें प्रैक्टिस है और आपको कौन सा काम में ज्यादा सुटेबल लगता है, इजी लगता है, या जो आपके प्रैक्टिस में वो जिसके बारे में आपकी तैयारी अच्छी हो, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आप संकल्प ले सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखना जरूर है डायरी में, क्योंकि
क्योंकि लिखने से क्या होगा, फिर ये बाद में टाइम टेबल बनाकर इनको पूरा करना बहुत आसान हो जाता है। 17वां संकल्प है, एक दिन पहले कम से कम इतने संभावित ग्राहकों की सूची तैयार करूंगा। यानी ये प्रैक्टिस सिखाई जाती है हमें सेलिंग में कि एक शाम को एक दिन पहले ही लिस्ट बना लो कि कल मैं इन इन लोगों से मिलूंगा, पहले लिस्ट बना लो। तो ये हम संकल्प में ले सकते हैं कि मैं कम से कम 10 की तो मैं बनाऊंगा, कम से कम 5 की बनाऊंगा, कम से कम 2 की बनाऊंगा, ऐसे आप बना सकते हैं। प्रतिदिन टीम के कम से कम इतने साथियों से बात करूंगा। हाँ, सबकी टीमें रहती है, टीमों से संपर्क रखना बहुत जरूरी होता है। अलग अलग उद्देश्य से आप बात कर सकते हैं, पर एक संकल्प में ऐसा बनाया जा सकता है। आप सभी लोग बोले इनकी आप फोटो से भी, आपको अगर इजी हो तो फोटो भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। लिख सारे लें, आपको कौन सा कब बनाना है वो बाद में आपको आराम से टाइम मिलेगा जब आप आराम से बना सकते हैं सोच के। मैं इस माह में फाउंडर वीर वीरांगना कोर्स ज्वाइन करूंगा। ये सिंपल है, आराम से माह फिक्स कर लिया, अपना काम खत्म। मैं प्रतिदिन फाउंडर वीर वीरांगना कोर्स क्लास ज्वाइन करूंगा। तो जो क्लास होती है उसको ज्वाइन करने का संकल्प हो गया। मैं प्रतिदिन कम से कम इतने साथियों से फाउंडर वीर वीरांगना कोर्स के लिए बात करूंगा। तो हम एक संकल्प बना सकते हैं कि पर डे, अभी ये भी पर डे, पर वीक, पर मंथ, कुछ भी हो सकता, वो सब आप प्रैक्टिस के साथ आप डिसाइड करें कि कम से कम इतने साथियों से बात करूंगा। तो इस संकल्पों में क्या आ रहा है, सारा पर्सनल डेवलपमेंट भी आ रहा है और टीम डेवलपमेंट भी आ रहा है, सारे चीजें शामिल है। और जो नहीं आ रही वो आप शामिल कर सकते हैं। सप्ताह में कम से कम इतने हाइजीन कैंप करूंगा, ये हमें सिखाया जाता है। सप्ताह में कम से कम इतनी टीम से आयोजन कैंपेन करवाऊंगा, अपनी टीम में कितने साथियों से इतने कैंप करवाऊंगा। मैं महीने में कम से कम इतनी बार आयोजन मीटिंग अटेंड करूंगा, क्योंकि मीटिंग अटेंड करना जरूरी, तभी सीखेंगे। हो सकता कई साथियों को लग रहा होगा कि ये लिख के क्या क्या है, लिखने की क्या बात है, डायरी में लिखने की क्या बात है, पर ये धीरे धीरे आपको साइंस समझ में आएगी कि कितना इम्पोर्टेंट होता है। आपको ये थोड़ा बड़ा एक अच्छा लगने वाला है आने वाले टाइम में कि यार कोई ऐसा विशेष कुछ भी नहीं किया और फिर भी हमारा काम बहुत सुधर गया, जो हम कर रहे थे वही कर रहे हैं, कोई नया कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अब कुछ छूट नहीं रहा है। पहले तो बहुत कुछ छूट जाता था, ध्यान ही नहीं रहता था, अब कुछ नहीं छूट रहा। मैं प्रतिदिन सुबह शाम की कार्यशाला अटेंड करूंगा या करूंगी। तो इसमें भी आप अपने हिसाब से कितने दिन आपके लिए संभव है, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि ये संकल्प हम सबको लेना चाहिए और 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले अटेंड करने का संकल्प सबको लेना चाहिए, सबको लेना और टीमों में भी दिलवाना है। ऐसे भी संकल्प बहुत सारे हैं कि किसी भी मीटिंग में या अन्य कार्यक्रम में समय से 5 मिनट पहले उपस्थित रहूंगा। प्रतिदिन कम से कम टीम में नई ज्वाइन किए हुए साथियों से बात करूंगा। तो नई नई ज्वाइनिंग आती है उनको देखकर, और रोज एक सिस्टम बनाना कि जिनकी छोटी टीम है वो तो सारे के सारे साथियों से बात कर सकते हैं, जिनकी बड़ी है वो एक नंबर फिक्स कर सकते हैं कि कम से कम मैं इतने साथियों से तो बात करूंगा। क्योंकि नए साथियों से सीनियर अप्लाई अगर बात करता है ना, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, रिएक्टिव होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सप्ताह में कम से कम इतनी वेलकम मीटिंग करूंगी। ये स्पेशली उन साथियों के लिए है जिनको वेलकम मीटिंग करना आता है, थोड़ा सा उनका लेवल, थोड़ा अनुभव हो चुका है जिनको वेलकम मीटिंग करने का, उनके लिए ये, इससे नए साथियों को एक्टिव करना बहुत अच्छा रहता है। वेलकम मीटिंग करने से बहुत ही जबरदस्त इसके रिजल्ट आते हैं। मैं सप्ताह में कम से कम इतनी होम मीटिंग करूंगा या करूंगी। प्रतिदिन क्वालिटी टीम बुक भरूंगा। महीने में कम से कम इतनी बार आउट स्टेशन मीटिंग करूंगा। ये जिनके लिए उस तरह का काम है वो इस तरह का संकल्प बना सकते हैं।
अभी संकल्प की लिस्ट बहुत लंबी है थोड़ी सी, पर कोई भी इस बात को लेकर परेशान नहीं होगी, इतने हम एक साथ कैसे करेंगे। आप शुरुआत करो और फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। ये चीज कल बताई थी, पर संकल्प यानी संकल्प, उसमें फिर कोई इधर उधर कुछ नहीं। कुछ ऐसा बन गया तो उसको फिर हमको डायरी में ही सुधार लेना है, काम को इधर उधर नहीं करना है। 32वां महीने में कम से कम इतनी संख्या में प्रोडक्ट खरीदूंगा, ये भी एक टॉपिक है। देखो बहुत अच्छा, संख्या में है, इसमें अमाउंट की बात नहीं है। ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि बहुत सारे साथियों को पता ही नहीं कि आश्रम में क्या क्या है, क्योंकि बहुत कम प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो सारे प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं है। एक संख्या का संकल्प ले लेंगे तो आपके घर में सारे प्रोडक्ट आने लग जाएंगे, हर महीने कुछ न कुछ नए प्रोडक्ट आएंगे। प्रतिदिन कम से कम इतने मिनट बुक पढ़ूंगा, प्रतिदिन कम से कम इतने मिनट प्रोडक्ट वीडियो देखूंगा। प्रोडक्ट के वीडियो देखने का और बुक पढ़ने का, ये सारी चीजें प्रैक्टिस में होगी तो हमें बहुत लाभ होगा। प्रतिदिन पीए में नाश्ता करूंगा, ये भी सबको लेना चाहिए। 36वां मई इतनी तारीख तक बिजनेस किट बैग तैयार करूंगा या करूंगी, क्योंकि हम सबके पास एक बिजनेस किट बैग होना चाहिए जिसमें टूल्स और कुछ प्रोडक्ट के सैंपल और वो सारी तैयारियां रहनी चाहिए। तो वो तैयार करने की तारीख पहले ही डिसाइड कर ले तो आपका काम पक्का हो जाएगा। हर माह 1 तारीख को डायमंड क्लब करूंगा। अब ये अपने अपने हिसाब से जो जिसको उचित लगता है, कोई डायमंड क्लब कर सकता है, कोई स्टार डायमंड क्लब भी करते हैं 1 तारीख, कोई कोई सुपर डायमंड क्लब करते हैं। तो जो जो करता है वो कर सकते हैं, वो संकल्प ले सकते हैं। सप्ताह में कम से कम इतनी बार अप्लायंस से बात करूंगा, स्पेशली ऐसी अप्लायंस जो बहुत अच्छा हमें ज्ञान देती है, सहयोग करती है, और उसको बात करने से ही हमारा बहुत सारा ठीक हो जाता है, बहुत सारा एनर्जी भी आ जाता है और बहुत सारे तौर तरीके भी मिल जाते हैं, बहुत सारी नॉलेज भी मिल जाती है। तो इस तरह के अप्लायंस से हमें खुद चल के बात करना चाहिए, नहीं कि हम इंतजार करते रहें। तो ये संकल्प में लेना चाहिए कि भाई कम से कम 2 बार बात करूंगा, 5 बार करूंगा, ऐसा जो भी। प्रतिदिन 30 मिनट अपने काम का मूल्यांकन करूंगा, करूंगी वह लक्ष्यों के अनुसार। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जो भी हमने अब तक करते आ रहे हैं और अभी जो किया है उसका मूल्यांकन करना, और लक्ष्यों के हिसाब से देखना कि मेरा जो काम की दिशा है मेरे लक्ष्यों की ओर ठीक जा रही है, या लक्ष्य अपनी जगह पड़े हैं और मेरा आउटपुट अलग जगह, उनका कोई तालमेल दे रहा है। तो फिर सोचें कि मेरे को इसकी जगह क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा मेंशन करें और उसके अकॉर्डिंग संकल्प प्लान करें। ये काम सबको बहुत जरूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये सबको लेना ही लेना है। रोज कम से कम इतने लोगों को कार्यशाला में बुलाऊंगा, तो आप इनवाइट करने का एक संकल्प ले सकते हैं। प्रतिदिन डाउनलाइन की परचेज रिपोर्ट देखूंगा, ये रॉयल्टी एंड अबाव के लिए है कि अपने डाउनलाइन की परचेज रिपोर्ट। और अगर नीचे वाले कोई देखना चाहते हैं तो अपने रॉयल्टी से संपर्क करें, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। हमेशा ड्रेस कोड में रहूंगा, रोजाना कम से कम इतने पुराने ग्राहकों को फॉलो अप करूंगा, जो जिनको हम प्रोडक्ट देते हैं उनको फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि हम वो और प्रोडक्ट का ऑर्डर देंगे तभी मिलना है, ऐसे ही मिलना है ना, ऐसे ही बातचीत करनी है, उनसे संबंध स्थापित करना। और इसका पूरा एक टॉपिक है जो अपन जब और आगे, इसमें बहुत सारी चीजें सिखाने की, वो आगे हम टाइम टू टाइम हम उस पर काम करेंगे। तो ये इस तरह से ना बहुत सारे संकल्प है जो एग्जाम्पल है। तो संकल्प बनाने की कला हमें आना बहुत जरूरी है, जो कल मैंने अच्छी तरह से बातें समझाई थी, वापस भी अपन डिस्कस करते रहेंगे उन्हीं चीजों पे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या जरूरी है, बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है। और ऐसा कम भी नहीं हो कि कुछ करना ही नहीं पड़े, इतना ज्यादा भी नहीं हो कि पॉसिबल ही नहीं हो। थोड़ा सा जो कर सकते हैं ना, उससे हल्का सा, मतलब 5-10% थोड़ा ऊपर करके अगर कोशिश करें तो उससे हमारा डेवलपमेंट अच्छा होगा। निरंतरता बहुत जरूरी है। और इन संकल्पों से लाभ क्या होने वाला है कि आप
कि बहुत सारी एक्टिविटीज टाइमली होने लग जाएगी और ये एक्टिविटी ही बिजनेस की जान है। अभी हम अगर चेक करेंगे तो हमारे से बहुत सारी चीजें छूट जाती है, बहुत सारी हो नहीं पाती है, और हमसे नहीं छूटती, हमारे साथ तो हजारों लाखों साथियों से छूट रही है। कोई फोन करना भूल जाता है, कोई सेल करना भूल जाता है, कोई प्रोडक्ट पे भूल जाता है, कोई बहुत अच्छी चीज है जो इजी होती है कुछ नहीं वो भूल जाता है। तो ऐसे एक्टिविटीज बहुत सारी करनी होती है और ये संकल्प की डायरी जो है हमारे लिए प्रमुख हथियार है। अब किसी को लगेगा कि इतने सारे मैं कैसे करूँगा, वो बहुत ईजी हो जाएगा, थोड़ा अभ्यास करेंगे थोड़े दिन में आपको लगने लग जाएगा। पुराने साथियों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि 100 से ऊपर संकल्प है वो भी टाइमली पूरे होते हैं। उसके लिए एक संकल्प शीट बनानी है और टाइम टेबल रोज का टाइम टेबल उनको देखते हुए बनाना कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं, कितने बजे क्या करना चाहिए। तो आपकी प्रायोरिटीज आपकी डिसाइड रहेगी, आपके सारे काम टाइमली होने लग जाएंगे और यही आरसीएम का मूल मंत्र है।